बॉलिंजर बैंड्स को तीन लाइनों के रूप में प्लॉट किया जाता है, एक ऊपरी बैंड, एक मध्य रेखा और एक निचला बैंड। इंडिकेटर की मध्य रेखा एक 20 अवधि के सिंपल मूविंग एवरेज है। ऊपरी और निचले बैंड डिफॉल्ट रूप से मध्य रेखा के ऊपर और नीचे टू स्टैंडर्ड डिविएशंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है कि प्राइस मूव का 95% इन टू बैंडों के बीच समाहित होगा। बॉलिंजर बैंड में आमतौर पर कीमत बैंड की मध्य रेखा पर वापस आ जाती है। यही बॉलिंजर बैंड्स के पीछे का पूरा विचार है। इस रणनीति का सबसे अच्छा उपयोग तब किया जाता है जब बाजार एक रेंज में होता है और कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं होती है। जब कीमत ऊपरी या निचले बैंड तक पहुंच जाती है तो यह एसएमए में वापस आ जाएगी। आप लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश कर सकते हैं जब कीमत निचले बैंड पर होती है, और जब कीमत ऊपरी बैंड पर होती है तो आप शॉर्ट जा सकते हैं। इन कीमतों में उछाल का कारण यह है कि ये टू बैंड डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह कार्य करते हैं। दोनों ही मामलों में आपका लक्ष्य मध्य रेखा होगा। जब बैंड का विस्तार हो रहा हो या जब कीमत ट्रेंडिंग हो तो इस रणनीति का उपयोग करने से बचें।